Hey guys, welcome to my new video. So guys, finally Redmi के 9 Power के लिए एक नया अपडेट रिलीज कर दिया गया है और आज इस वीडियो में हम उसी अपडेट के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। So my name is Shari Mahajan, your watch my channel. Let's get started. मैं आपको अगर दिखाऊं तो आप देख सकते हो, ये है Redmi के 9 Power का नया अपडेट। और ये जो अपडेट है ना, ये इतना खास हमें इसलिए देखने को नहीं मिलता क्योंकि इस अपडेट के अंदर कोई चेंज ही नहीं मिलता। जैसा MIUI पहले था वैसा ही मिलता है। 12.5 Android 11 का अपडेट तो Xiaomi ने दिया ही नहीं है अभी तक Redmi 9 Power डिवाइस के लिए, जो सबसे गलत बात आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर दोस्तों 251 MB का ये अपडेट है, तो आप सोच ही सकते हो कि कितनी छोटी MB का साइज का अपडेट है ये। कुछ लोगों को यहाँ पर इससे थोड़ा ज़्यादा MB का अपडेट देखने को मिल रहा होगा क्योंकि ये जैसे ही अपडेट रिलीज हुआ तब का स्क्रीनशॉट है, तो यहाँ पर जो साइज होता है वो चेंज होता रहता है। अब यहाँ पर वही सेम बात हो गई, जैसे कुछ दिनों पहले एक अपडेट निकाला था Xiaomi ने, उसका भी साइज अराउंड 500 MB था, बट अगर थोड़े दिनों बाद लोग इंस्टॉल कर रहे थे तो 1 से 2 GB तक का अपडेट का साइज हमें देखने को मिल रहा था। और यहाँ पर ये 200 MB वाला अपडेट है, तो ज़्यादा कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। इसके अंदर MIUI की ऑप्टिमाइजेशन और सिक्योरिटी पैच आपको नया देखने को मिलता है। इसकी रिकवरी रोम, फास्ट बूट रोम जो है वो यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। और जितने भी इसके डाउनलोड लिंक्स हैं वो आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल हमारा देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें, तो आप फटाफट से ज्वाइन कर सकती हो, वहाँ पर आपको हर चीज़ देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करना चाहो तो भाई लोग कर लो, बहुत ही फायदेमंद आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं वहाँ पर। सॉफ्टवेयर, एप्स रिलेटेड अपडेट्स, थीम्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो जाकर ज्वाइन कर लो। Redmi 9 Power का यहाँ पर जो अपडेट है उसका OTA लिंक हमें काफ़ी जल्द देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं 12.5 का अपडेट क्यों नहीं हमें देखने को मिल रहा है। तो एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, 12.5 का अपडेट इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि टेस्टिंग के अंदर इशू देखने को मिल रहे हैं टेस्टर्स को। कभी ना कभी कोई ना कोई इशू आपको देखने को मिल रहा है Redmi 9 Power डिवाइस के अंदर टेस्टिंग के अंदर। अब यहाँ पर आपको कब तक मिलेगा, तो देखो भाई नवंबर तो हो गया, नवंबर में इस अपडेट का जो है हमें देखने को मिल चुका है एक नया अपडेट नवंबर के अंदर। तो नवंबर का जो कोटा था अपडेट वाला वो Redmi 9 Power के लिए पूरा हो चुका है, तो नवंबर में तो आपको 12.5 का अपडेट देखने को नहीं मिलने वाला है। अभी तक कोई चांस आपको देखने को नहीं मिलते। अब हम बात करते हैं कि कब मिलेगा, तो देखो भाई नवंबर तो निकल गया, अब दिसंबर के मिड या दिसंबर के एंड में आपको कभी भी देखने को मिल सकता है Redmi 9 Power के अंदर नया अपडेट। चांसेस अब मेरे हिसाब से, फ्रॉम माई प्रेडिक्शन, यही है कि अब यहाँ पर आपको अपडेट जो है वो अगले साल ही देखने को मिलेगा जनवरी के मंथ के अंदर। बट कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अपडेट जो है वो हमें देखने को मिल जाएगा दिसंबर एंड के अंदर, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। बाकी कोई भी इन्फो आती है टेलीग्राम पे टेस्टर के थ्रू, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, ज़रूर अपडेट करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। जय हिंद, जय